हेलो म्यूजिशियंस, आप सभी का वेलकम है उजे का ज्ञान के एक नए एपिसोड में। मैं हूं अजय शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉप फिल्टर के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। काफी सारे लोग बोलते हैं छन्नी होती है माइक के आगे लगने वाली, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कि क्या है इसके, क्या फंक्शंस हैं और क्या इससे हमारी वॉइस अच्छी होकर आती है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि म्यूजिक से रिलेटेड आपको कोई भी वर्क है, यानी कि लिरिक्स, म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक ट्रैक, कैरियर के ट्रैक, पोस्टर्स, तो प्लीज आप हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सभी काम आपके बहुत ही कम रेट में हम कर देंगे। एंड मेरे सभी सॉन्ग्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करो, सारे सॉन्ग्स चेकआउट करो, उनको प्लीज प्लीज शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये माइक के आगे लगने वाली छन्नी क्या होती है, तो बेसिकली उसको पॉप फिल्टर कहते हैं। एंड काफी सारे लोग सोचते हैं कि ये कुछ हार्ड मटेरियल का होता है, यानी कि स्टील का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट मटेरियल का होता है, क्लॉथ का रहता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली चीज के ऊपर, इसके फंक्शन क्या है। तो बेसिकली इसके दो फंक्शन है। इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि जब भी हम सिंग करते हैं तो काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि फा भा, इन्हें जब भी हम बोलते हैं तो माइक को डायरेक्टली हिट करते हैं और इससे एक अलग सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो पॉप फिल्टर माइक के आगे लगकर उन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको एक क्लियर साउंड प्रोवाइड करता है। फ्रेंड, सेकंड फंक्शन ये है कि जब भी हम सिंग करते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह से सलाइवा यानी कि थूक निकलता है और माइक को हिट करता है, तो देयर आर चांसेस कि हमारा माइक खराब हो जाए, तो पॉप फिल्टर माइक को खराब होने से भी बचाता है। तो नेक्स्ट थिंग इज, क्या इससे सिंगर्स की वॉइस इंप्रूव होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बुरा गा रहे हैं तो इससे आपकी वॉइस अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट पाफा बाउ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ना बात करते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है। तो ये आपको 300 से 400 रुपए में अमेजोन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो बात करते हैं अगली चीज के ऊपर, क्या जरूरी है हमको पॉप फिल्टर यूज करना? तो जी हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है कि आप पॉप फिल्टर यूज करो, वरना आपके साउंड, आपके वोकल्स में वो पावर एकदम से बहुत ही लार्ज साउंड करेंगे और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक करिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर जाकर पूछो, और प्लीज चैनल को चेकआउट करो और सारे सॉन्ग मेरे शेयर करो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल।